लगातार पांचवें दिन बाजार में गिरावट पर हुई खरीदारी। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 150 अंक सुधर कर 17,624 पर हुआ बंद। फार्मा, सीमेंट, फर्टिलाइजर और FMCG शेयर्स में सपोर्ट। रेल लैंड एंड लीज पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। लीज पीरियड को बढ़ाकर किया गया 35 साल। पीएम गतिशक्ति टर्मिनल बनाने पर फोकस। फैसले के बाद कॉनकोर के शेयरों में दिखी तेजी। गैस के बढ़ते दामों के बीच कोयले पर बढ़ेगी निर्भरता। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। मौजूदा हालात ने क्लीन एनर्जी प्रोग्राम को किया प्रभावित। 1 अक्टूबर से नहीं लागू होगा गैस प्राइसिंग का नया फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से खबर। नए फॉर्मूले के लिए कैबिनेट की मंजूरी होगी जरूरी। क्रीट पारे की अगुवाई वाली कमेटी इस महीने के आखिर तक सौंपेगी रिपोर्ट। दिवाली से पहले आईफोन लवर्स के लिए खुशखबरी। आईफोन 14 का काउंटडाउन हुआ शुरू। कुछ घंटों के बाद होगा आईफोन 14 प्रो लॉन्च। गौतम अदानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। यूएस आईबीसी ने किया सम्मानित। सुंदर पिचाई और जेफ बेजोस को भी मिल चुका है ये अवार्ड। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बोले गौतम अदानी। कहा, सरकारों ने अपने हिस्से का काम किया, अब जरूरत है व्यापार के माध्यम से सहयोग का तरीका खोजा जाए। रूस के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा, व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 साल हुए पूरे। यूक्रेन संघर्ष पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष को खत्म करने के लिए भारत ने कूटनीति और बात का मार्ग अपनाने पर दिया जोर। शांतिपूर्ण कोशिशों से संघर्ष को खत्म करना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। हमारे पास जल्द ही एक न्यू डेटा प्राइवेसी बिल होगा जो प्रोडक्ट ऑफ कंसल्टेशन होगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को तोहफे में दिया एक सफेद घोड़ा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, स्पेशल गिफ्ट के लिए धन्यवाद, मैंने इसका नाम तेजस रखा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीबीआई की रेड। ममता के मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई की 8 सदस्य टीम की रेड। कोयला घोटाले में कोलकाता में भी 4 जगहों पर हुई छापेमारी। मलय घटक के घर पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर विरोध। घटक के घर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टैक्स चोरी के मामले पर आयकर विभाग की दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी। गाजियाबाद, लखनऊ, गुरुग्राम और गुजरात में कुल 5 जगहों पर मारा छापा। राजस्थान में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिड डे मील में कमाई करने वालों पर की रेड। जयपुर में राजनीतिक कारोबारी समूह समेत 53 ठिकानों पर आयकर विभाग ने मारा छापा। दिल्ली में पुनर्विकसित कर्तव्य पद का वीडियो किया गया जारी। जल्द ही सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला जाएगा यह पद। कर्तव्य पद की नई तस्वीरें आई सामने। पूरी तरह बदला हुआ दिख रहा है नजारा। चारों तरफ जबरदस्त हरियाली और नई सड़क। दिल्ली का राजपथ अब अपने नए नाम कर्तव्य पथ से जाना जाएगा। एनडीएमसी ने अपनी बैठक में दी मंजूरी। करीब 19 महीनों के बाद कल खुलेगा इंडिया गेट। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 3 दिनों तक होगा शो का आयोजन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए तैयारियां जारी। परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को किया जाएगा स्थापित। राजपथ का नाम बदले जाने पर बोली मीनाक्षी लेखी। पीएम मोदी का जीवन कर्तव्य पथ का पथ है। ये फैसला आजाद भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। 8 सितंबर शाम 7 बजे इंडिया गेट जाएंगे पीएम मोदी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का करेंगे अनावरण।